नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक बार फिर से नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मियों ने अपनी मांग उठाई है। उन्होंने अपनी मांगों का एक ज्ञापन सीएमओ को दिया है। उनका कहना है कि पूर्व में लंबित मांगों को पूरा करने के लिए विज्ञापन दे रहे हैं, कई बार आश्वासन मिलता और कई बार उनकी मांगों में से एक दो मांगें पूरी कर दी जाती थी, जिससे एक दो महीने का कुछ उनको लाभ मिलता था और उसके बाद फिर से वही ढर्रे पर मामला चल रहा है। उनका ये कहना है कि सफाई कर्मियों को 6,000 रुपये मिल रहा है, जो कि काफ़ी कम है। इसके अलावा जो नियमित कर्मचारी हैं उनको अभी भी सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है। इस मामले में सीएमओ अरुण पटेरिया का कहना है कि मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है, जिसको वे आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा सातवें वेतनमान से संबंधित जो मांग है, अगर ऐसा कोई आदेश जारी हुआ है तो वे इस पर कार्यवाही करने के लिए पत्र उच्च अधिकारियों को जारी करेंगे। हमारे सफाई कर्मचारियों की लंबित समस्या है, जिनको लेकर कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं कलेक्टर महोदय को, सीओ महोदय को। हमारे कई बार ज्ञापन देने के बाद भी हर बार एक दो मांगों का निराकरण कर दिया जाता है, जिससे सफाई कर्मचारियों को एक दो महीने के लिए राहत तो मिल जाती है, लेकिन उनकी जीवन यापन करने का जो साधन है वो पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। जिस तरह सफाई कर्मचारियों को जो वेतन दी जा रही है नगर पालिका में 6,000 रुपये, देखा जाए तो एक कमजोर से कमजोर वर्ग मजदूर को भी 250-300 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से मिलता है, लेकिन सफाई कर्मचारी जो आज के दौर पर सबसे गंदा काम कर रहा है, जो सबसे निचली श्रेणी पे है, उसको 200 रुपये हिसाब से किस बेस पर उसको सैलरी दी जा रही है, ये एक महत्वपूर्ण जवाब है। और यहाँ नगर पालिका में उनको 6,000 वेतन दी जाए, हमारा उद्देश्य है कि इनकी वेतन कलेक्टर द्वारा कम से कम दी जाए, उनका ईपीएफ काटा जाए। और परमानेंट नियमित कर्मचारियों का जो सातवां वेतनमान जो हर जिले में हर नगर परिषद में छोटी से छोटी नगर परिषद में लग चुका है, लेकिन छतरपुर जिले में आज तक नहीं लगाया गया है। क्या कारण है जो ऊपर से आदेश होने के बावजूद भी छतरपुर जिले में सब नियमित कर्मचारियों का सातवां वेतनमान नहीं लगाया जा रहा है? संजीदा आश्वासन हर कोई देता है कि भाई आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी, लेकिन इस तरह का कोई ठोस कदम कोई नहीं उठा रहा है। आखिरकार हम लोगों को ही मजबूर होकर हड़ताल पर जाना पड़ेगा अगर हमारी हड़तालों से ही मांगे पूरी नहीं होती। आज कहां पर आवेदन दिया है? आज हमारा आवेदन माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ को है और इसके बाद माननीय कलेक्टर महोदय को देंगे। क्या आश्वासन मिला है? अब उन्होंने कहा है कि आवेदन देखकर उनको जल्द से जल्द उनको पूर्ण करने का जो हमारे बस में वो करेंगे, लेकिन जितनी भी हमारी मांगे वो उचित मांगे हैं और शासन की सारी चीजों के आदेश हैं, उनको हमारी मांग करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन काम पर हड़ताल पर जाएंगे एक हफ्ते के बाद। ये इनकी कुछ मांगे हैं और जितनी भी इनकी मांगे जनवन होगी उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जैसे अभी ज्ञापन में लिखा है 40 कर्मचारियों की वेतन नहीं निकली, मैं अभी पता लगा था इसका कारण क्या है, क्यों नहीं निकाली। सातवां वेतन का एक बिंदु इनका जो प्रमुख है वो विधान नगर पालिका में जिस दिन परिषद की बैठक होगी उस दिन ये प्रकरण रखा जाएगा, चूंकि नगर पालिका परिषद से ही उसको पारित किया जाना है, सातवां वेतन भी लगा दिया जाएगा। जैसे मैं आया था इनकी कई मांगे थी तो मैंने कई मांगे इनकी पूरी भी की हैं, और जो इनका संविदा वालों का है उसका वेतन वृद्धि वाला, तो अपन चिट्ठी देखते हैं, जारी करते हैं अपन नगरीय प्रशासन को, अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन होगा तो इनकी जो भी सुविधाएं होंगी मैं उनको तत्काल मुहैया करवाएंगे। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।